ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हाल ही में संपन्न हुए टेस्ट सीरीज में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन किया। यह सीरीज टीम इंडिया 2-1 से अपने नाम करने में सफल रही। टेस्ट सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को हराने के बाद टीम इंडिया की नज़र वनडे श्रृंखला पर है। दोनों देशों के बीच एक दिवसीय सीरीज की शुरुआत 17 मार्च से होगी। टीम इंडिया वनडे श्रृंखला में भी ऑस्ट्रेलिया को हराने उतरेगी। जिस तरह से भारत ने कंगारुओं के खिलाफ टेस्ट सीरीज में प्रदर्शन किया, उससे देखते हुए वनडे में ऑस्ट्रेलिया की राह आसान नहीं होगी। वनडे सीरीज का पहला मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा, जबकि वनडे का दूसरा मुकाबला 19 मार्च को विशाखापट्टनम में होगा। वहीं तीसरा अंतिम मैच 22 मार्च को चेन्नई में खेला जाएगा। भारत के कप्तान रोहित शर्मा पहला वनडे अपने पारिवारिक कार्यक्रमों की वजह से नहीं खेल पाएंगे। रोहित शर्मा की जगह पे करेंगे हार्दिक पांड्या कप्तानी। भारत 17 मार्च को होने वाले पहले ओडीआई मैच में टीम कुछ इस प्रकार होगी। रोहित शर्मा की जगह पे टीम की कमान हार्दिक पांड्या के हाथों होगी। उनका साथ निभाने के लिए विराट कोहली जैसे अनुभवी खिलाड़ी हैं, साथ में कुलदीप यादव, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, अक्षर पटेल, केएल राहुल, शुभम गिल, रविन जडेजा, श्रेयस अय्यर, ईशान किशन जैसे खिलाड़ियों का साथ होगा। अब देखना होगा क्या टेस्ट मैच की तरह वनडे में भी टीम इंडिया का जादू चलता है कि नहीं। अगर ओडीआई सीरीज अगर भारत जीतता है तो T20 वर्ल्ड कप जो नवंबर 2023 में होने वाला है, उससे पहले उसका मनोबल काफ़ी बढ़ जाएगा।